राजस्थान युवा कांग्रेस ने सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा द्वारा राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया। गोपाल शर्मा के जयपुर स्थित आवास के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। विधायक शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ झूठी बयानबाजी की, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी अरबार खान, प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा भार्गव, प्रकाश मीणा, करतार गुजर, रवि सिकदार, शहर जिला अध्यक्ष जयपुर उज्ज्वल शर्मा, जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष धर्मवीर पायला, कोटपुतली के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदड़, विधानसभा अध्यक्ष लोकेश मीणा, सिविल लाइन से एजाज खान, विद्याधर नगर से गुलफाम खान और शकील खान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब प्रदर्शनकारियों ने विधायक के घर के बाहर विरोध जताना शुरू किया तो पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा झूठ फैलाकर और फिर पुलिस का उपयोग करके अपने नेताओं का बचाव करती है। युवा कांग्रेस ने विधायक गोपाल शर्मा की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार के अमर्यादित बयानबाजी बंद नहीं हुई तो वे अपने विरोध प्रदर्शनों को और तेज करेंगे। राजस्थान विधानसभा में आज सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा ने जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए टीका टिप्पणी की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं माफी की मांग करता हूँ। हम राजस्थान के युवा कांग्रेस के साथियों ने आज उनके घर का घेराव किया, लेकिन वो हमें नहीं मिले। वो हमसे बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते। जब तक राहुल गांधी जी से आप माफी नहीं मांग लेते हैं, आपको माफ नहीं किया जाएगा और हमारा मुकाबला आपको निरंतर करना होगा। तो आप राहुल गांधी जी से माफी मांगे, नहीं तो जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे उस तरीके से विरोध दर्ज करेगा जिस तरीके की आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। आपने राहुल गांधी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का जो बोला, या तो सबूत दे, और अगर सबूत नहीं है तो माफी मांगे, आपका फायदा इसी में होगा।